शुरू हो गया मुकाबला यार यार, हमला तो ईरान करने वाला था कि तो वो बढ़ रहे ईरान के लिए, क्या हमला हो रहा है देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खुश होंगे। आज स्पेशल होने जा रहे, वो क्या कि आज ईरान और इसराइल के दरमियान हम मुकाबला करेंगे, टक्कर का मुकाबला, दोनों को बेहतरीन को देने की कोशिश करेंगे ताकि टक्कर का मुकाबला हो कि कौन किसको हरा सके। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करेगा, उस पर अटैक करेगा बिल्कुल। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जाने से पहले, आर्मी को जाहिर करने से पहले, अगर आप दिल से ही इसराइल से नफरत करते हैं तो आप अल्लाह को सब्सक्राइब बंद करें ताकि किसी तरह के और अमेजिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते, टाइम ज़ाया नहीं करते और आप भी स्किप ना करें ताकि मज़ा आ जाए। जो लेफ्ट साइड होगा ब्लू वाला वो ईरान का होगा और रेड साइड जो होगा इस तरफ, रेड साइड जो रेड की आर्मी होंगे तो वो हम इसराइल के लिए रखेंगे। तो चले हम पहले इसराइल की आर्मी रखते हैं, तो उसके बाद फिर ईरान इस पर हेवी हमला करेगा। अच्छा यहाँ पर मैं इसको कुछ टैंक्स देने वाला हूँ। अच्छा यहाँ पर टैंक दे दिए इस तरह के 4 टैंक्स, कुछ गाड़ियाँ देने वाला हूँ, कुछ चंगी गाड़ियाँ इन लोगों के साथ ये भी दे दिए यहाँ पर, ये तो इसराइल के साथ ज़्यादा होते हैं। चलिए थोड़ा ज़्यादा देता हूँ। ये भी यहाँ पर रख लिए, तो इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसके सोल्जर दे रहे हैं। ये कोई अच्छी सोल्जर जो कि ये कहती है हमारी अच्छी सोल्जर है। हाँ ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पर इनके सोल्जर, इनको बहुत से सोल्जर भी दिए गए। तो सोल्जर के साथ कुछ रॉकेट्समैन भी दिए जाते हैं यहाँ पर इनको, ताकि बाद में ना कहे कि हमें कुछ नहीं दिया गया था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो साथ में ये आग लगाने वाला भी, हाँ क्योंकि लेटेस्ट तो इनको बहुत पसंद है। तो ठीक इस तरह हम ईरान की एक आर्मी बनाने वाले, पहले सबसे पहले इसकी आर्मी तो देख लो, इस तरह की कुछ आर्मी बन गई, काफी अच्छी नजर आ रही है। मुझे सुनना ही नहीं है। अबे साले। लेकिन अब ईरान की बारी, अब ये दिखाएगा कि इनके साथ क्या करने और कैसे लड़ने, कैसे खत्म करने। ठीक इस तरह ईरान काम क्या करेंगे, स्पेशल में कुछ टैंक्स रख लेते हैं यहाँ पर ईरान के लिए। अच्छा क्योंकि ये जब भी हमला करेगा ईरान तो जाहिर सी बात एक ताकत के साथ करेगा, उसका ऐसा ख़त्म करना चाहेगा कि इसके नस्ल ही ख़त्म हो जाए, इसराइल के जो लोग जुल्म कर रहे हैं वापस जो जालिम है। तो गाड़ी ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, एक दो दे रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए गाड़ी फिर कम दिया इनको मैंने। तो ठीक इस तरह इनके पास कुछ ड्रोन होते हैं जो कि ये लोग इस्तेमाल भी करते, एक दो ड्रोन भी देता हूँ आप, तीन ड्रोन भी दे दिए। इसके अलावा हम यहाँ पर पीछे से आके हेवी कुछ डिफेंस, सिर्फ 2 रॉकेट्स ही दे, 3 दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डिफेंस के लिए, लेकिन डिफेंस उनके लिए ज़रूरत है, उनके लिए मैंने दे दिया। ये हुए टैंक्स, हाँ टैंक्स के साथ अभी यहाँ पर हम क्या देने वाले, यहाँ पर हम कुछ और भी देने वाले, वो क्या सोल्जर्स की बारी। चले 57 से शुरू करते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर ये लोग उनके, ये देख लीजिए हाँ ईरान जब हमला करेगा क्या पावर के साथ करेगा। ये तो यहाँ पर रख लेते ताकि मज़ा आ जाए, गेम का भी कुछ मज़ा तो होना चाहिए, आपको भी तो कुछ एंटरटेन होना चाहिए। रॉकेट्स लोग रख रहे हैं यहाँ पर, रॉकेट्स जो गिलाएंगे उन पर कि ज़बरदस्त हमला करेगा, जाहिर सी बात है कि वो अपनी पूरी ताकत यूज़ करेगा इसे मिटाने के लिए, इसका नस्ल ख़त्म करने के लिए। तो ठीक इस तरह हैवी रॉकेट्स और ये आग वाले तो मैं इनको दे ही नहीं रहा हूँ, फिर बाद में कहेंगे इनको बहुत ज़्यादा वो दिए थे आग वाले लोग जो दिए थे, या पर इनके कुछ और सोल्जर भी बढ़ा देता हूँ ताकि फिर बाद में ये ना कहते हमारे सोल्जर भी बहुत कम थे। अच्छा ये देख लीजिए, हाँ अब इनको 90 तकरीबन हो गए और उनके 85। तो चले मुकाबला शुरू करते, देखते कि कौन किस पर बारी आता है। पहले ऊपर से आपको दिखाता हूँ पूरा नज़ारा और देख लीजिए क्या कुव्वत के साथ दोनों का रे पावर, एक पावर बना हुआ है दोनों का, देख लीजिए अभी शुरू होगा एक मुकाबला। 1 2 3 शुरू हो जा, ईरान ख़त्म कर इसको, गो। होने वाला था आगे तो वो बढ़ रहे ईरान के भी आगे, और बॉर्डर तो वो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीतेगा ईरान, मुझे तो यही लगता है। क्या हमला हो रहा है, क्या हमला हो, देख लीजिए ईरान की तरफ चले देखते हैं यहाँ पर उस तरफ, खूब ईरान को देख लीजिए क्या पावर के साथ अंदर घुस गए ये लोग, खूब कितनी टैंक्स और उनके साथ इन्होंने इसे फतह भी कर लिया। देख लीजिए इनका डिफेंसिव सिस्टम उसे भी तोड़ दिया,
उसका जो रेड झंडा है वो भी निकली थी। आखिरकार ईरान ने इसे ख़त्म कर दिया।